Good morning, student. Today I will teach you chapter number 9. How many times? How many times means kitni baar? First time, what is the multiplication? इस चैप्टर से हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है. मतलब कि फॉर एग्जांपल है, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड एडिशन. जब हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं तो उसमें रिपीटेड एडिशन आता है. फॉर एग्जांपल 5 3 जा, यानी कि 5 3 जा 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, यानी मैंने कितनी बार 3 लिखा, 1 2 3 4 5 टाइम्स लिखा. 3 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 3 9 9 प्लस 3 12 12 प्लस 3 15. सो 5 3 जब भी कितना होता है 50. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, क्यूब बनाया है. तो ये 1 2 3 3 क्यूब हो गए. और कितने बॉक्स है, कितनी 1 2 3 4 5, कितनी लाइन है 5. और कितने क्यूब्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ओके, इस तरह से हम लोग एडिशन करके भी 15 ला सकते हैं. और मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 5 क्यूब्स है, कितनी रोज है 1 2 3 3 क्यूब्स है. तो 5 रोज एंड 3 क्यूब्स इज इक्वल टू 5 3 जा 50. यानी कि हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में एडिशन रिपीट होता है. सेकंड है रियल टाइम एग्जांपल. रियल टाइम एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास देयर आर 7 रॉक्स. मेरे पास 7 रॉक्स, रॉक्स माने पत्थर, 7 रॉक्स पत्थर्स है इन ईच बॉक्स. यानी कि एक बॉक्स के अंदर मेरे पास कितने रॉक्स है, 7. ये जो एक वन बॉक्स ड्रॉ किया है ना, उसके अंदर 7 रॉक्स है. तो मैंने कितने बॉक्स है, ईच बॉक्स यानी कि वन बॉक्स के अंदर 7 रॉक्स, 1 2 3 4. कितने बॉक्स हुए हमारे, 4. और एक वन बॉक्स के अंदर कितने रॉक्स है, 7. दैट इज द टोटल ऑफ 1 2 3 4, 4 बॉक्स मल्टीप्लाई वन, एक बॉक्स के अंदर कितने हैं, 7. 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 28. अगर हम इस तरह से भी करेंगे तो 28 हमारा सिंपल से हो गया. और अगर एडिशन करके देखे तो 7 प्लस 7, कितने बॉक्स है, 1 2 3 4. तो 4 बार हमें 7 7 करना पड़ेगा, 1 2 3 4. ओके, तो 7 किया, 7 प्लस 7 कितना होता है 14, 14 प्लस 7 21. और 20 प्लस 7 करोगे तो कितना आएगा, 28. यानी कि दोनों के आंसर क्या हो गए, सेम. दूसरा एक एग्जांपल देते हैं. यहाँ मैंने एक हाउस, 3 हाउस ड्रॉ किए, 1 2 एंड 3. एक हाउस के अंदर 5 पीपल है, मैंने लिखा भी है इच हाउस हैज 5 पीपल. इच माने एक, इच माने एक ही. एक वन हाउस में अंदर कितने पीपल है, 5. यानी कि कितने हाउस है, 3. तो 5 पीपल यहाँ पे, 5 पीपल यहाँ पे और 5 पीपल यहाँ पे. ओके, लिविंग इन ए, यानी कि एक हाउस के अंदर 5 पीपल्स रहते हैं. तो हाउ मेनी पीपल लिव इन हाउस, इन द हाउस. तो टोटल हमें ढूंढना है कि ये 3 हाउस में कितने लोग रहते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3, 3 हाउस है. तो मैंने क्या, 3 मल्टीप्लाई 1 हाउस के अंदर कितने पीपल है, 5. तो 3 5 जा 15. यानी कि अगर 3 5 जा 15 पीपल है, 3 हाउस के अंदर कितने है, 15. अगर इस तरह से भी तो रिपीटेड एडिशन भी आता है, 5 प्लस 5 प्लस 5. तो हम लोग 5 प्लस 5 10 10 प्लस 5 15 हो गया. तो हमारा आंसर राइट आ गया. ओके, सो हम कुछ भी करते, ईच माने एक ही, एक बॉक्स बोला हो या 5 पीपल बोला, ऐसे इस तरह से कुछ भी आता है तो हम लोग उस नंबर को जितने हाउस है जितने रॉक्स है उससे मल्टीप्लाई करते हैं. और वन हाउस में अगर 5 है तो हम 5 से कितने हाउस, 3. तो 3 से लेके 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कर सकते हैं. तो सो द नंबर अमाउंट, हमने मैंने आपको ये रॉक्स पीपल इसमें का, अगर इसकी जगह कोई नंबर है
same amount of something in a, the same amount. इसकी जगह मैं कोई amount रखती हूँ या कोई number रखती हूँ. Something in each something, यानी एक चीज में अगर मैं कोई number बोलूँ कि कोई एक number में, तो क्या करोगे? Is often solved by multiply. तो हमें उसके उसका आंसर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा. जिस तरह से मैंने आपको सिखाया कि ए वन थ्री हाउस ड्रॉ किए, एक हाउस के अंदर फाइव पीपल है, उसी तरह से मैंने क्या किया, फाइव पीपल एक हाउस में था, इसलिए मैंने क्या किया, वन टू थ्री हाउस को क्या किया, काउंट कर लिया. थ्री हाउस है तो थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव किया, तो मेरा आंसर आ गया 15. इस तरह से नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लाइंग बिग नंबर्स. अब हमें क्या करना है, बड़े अब छोटे नंबर्स, फॉर एग्जांपल 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 3 5 हम टोटल हम लोग टेबल्स बोलते हैं. आपको टेबल्स आता है, आपने फर्स्ट सेकंड में सीखा है, टेबल्स हमारे 10 तक तो आ चुके हैं. अब हमें कहां से टेबल्स लर्न करने, 11 टू 20. ओके, तो 3 5 हम लोग तुरंत बोलोगे कि मैम 3 5 15, ये हम लोग टेबल्स बोलते हैं तो उसमें आ जाए. लेकिन अगर मैं किसी को बोलूं कि 25 मल्टीप्लाई बाय 5, 22 मल्टीप्लाई बाय 5, ऐसा अगर लंबा है, कोई बड़ा नंबर है, अगर उसको हमें मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करें? टू मेथड है, दोनों मेथड सिखा रही हूँ. 22 मल्टीप्लाई बाय 5, हम लोग क्या करेंगे, ये 22 का लॉन्ग फॉर्म करेंगे. पहले हम लोग फर्स्ट सेकंड में आप लोग लॉन्ग फॉर्म सीखे हुए, कोई नंबर दिया हो, यानी कि यहाँ पे मैंने लिया 25, ओके, तो उसका लॉन्ग फॉर्म बना, तो आप क्या करोगे, 20 प्लस 5, ऐसा लॉन्ग फॉर्म हमने सीखा था, है ना? पर उसी तरह से यहाँ पे मैंने लॉन्ग फॉर्म किया है, 22 को लॉन्ग फॉर्म किया है, 20 प्लस 2 करोगे तो क्या नंबर आ जाएगा, 22, जो मैंने प्रैक्टिस में लिखा, मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि अब मुझे क्या करना है, 5 को 20 से भी मल्टीप्लाई करना है और 5 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना है. कैसे किया है? देखो मैंने किया, एक बॉक्स बनाया है, 20 ऊपर लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, 20 और 5 यहाँ पे साइड में, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू कितना आएगा, 100. 25 का कितना आता है, 100. अगर ऐसे अंदर 25 का कितना होता है, 10. 25 का 10 होता है और यहाँ पे 0 होते, एक 0 यहाँ नीचे मैंने बढ़ा दिया, 25 का 100. 25 का 100. उसी तरह से 25 का कितना होता है, 10. ओके, हो गया 10 प्लस 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110. ये हुई फर्स्ट मेथड. अब ये किस समझ लो कि मैं, मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, हम लोग इस तरह से भी मल्टीप्लाइंग करते हैं. 22 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल, कैसे करेंगे, 2 5 जा 10, 1 कैरी ऊपर, 2 5 जा 10, 10 और 1 कैरी करोगे तो 11, 10 के बाद कौन सा नंबर आता है, 110. आया समझ में? ये दो मेथड है, पर जब हमें मल्टीप्लाइंग बिग नंबर किया हो तब तक हमें ये मेथड करनी पड़ती है. अगर आपको ये बोले कि आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो आप ये मेथड कर सकते हो. पर अगर आप बोले कि हमें मल्टीप्लाइंग बिग नंबर ऐसा कोई हेडिंग देते हैं, तो हमें ये मेथड करनी पड़ती है. ओके, हमारा फोर्थ टॉपिक है प्रॉपर्टीज. फर्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. अगर हम कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी नंबर को, टू नंबर रिमाइन सेम, यानी कि अगर मैं कहा ऐसे पकड़ू या फिर ऐसे पकड़ू, तो आंसर तो एक ही आने वाला है. ओके, द सेम इवन इफ द ऑर्डर इज चेंज. आपका सिर्फ नंबर चेंज होगा पर आंसर क्या होगा, एक ही आएगा. कोई भी नंबर को हम दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या दूसरे नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें आंसर वही का वही मिलता है. फॉर एग्जाम्पल 3 4 का कितना होता है, 12. या फिर मैं 3 4 का लिखूं या 4 3 का लिखूं, तो आंसर तो क्या आने वाला है, 12. एक दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ, 2 9 का लिखूं या फिर 9 2 का करूं,
तो आंसर क्या आएगा 18. आंसर कभी चेंज नहीं होगा. ओके, ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, समझ में आया. नंबर्स हमने चेंज किए कि 2 9 9 2 जा ऐसे किया, पर रिमाइंड यानी कि आंसर क्या आया सेम. ओके, प्रोडक्ट इफ टू नंबर्स, हमारे ये प्रोडक्ट के टू नंबर्स है, रिमाइंड सेम, आंसर क्या आता है सेम. इवन इफ द ऑर्डर इज चेंज, नंबर को हमने चेंज किया तो अभी आंसर क्या आएगा रिमाइंड क्या होगा सेम. सेकंड है व्हेन वी मल्टीप्लाई जीरो, हम कभी भी कोई भी नंबर को किसी भी नंबर से, कोई भी नंबर को अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या आएगा जीरो. या फिर कोई नंबर अगर जीरो को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो अभी आंसर क्या आएगा जीरो. वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, व्हेन वी मल्टीप्लाइंग जीरो, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी जीरो से बाय एनी नंबर, कोई भी नंबर से. और व्हेन वी मल्टीप्लाइंग एनी नंबर, अगर मल्टीप्लाई मैं नंबर कोई भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करूंगी, जीरो को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करूं या नंबर को कोई जीरो जीरो से मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट इज जीरो, आंसर क्या आएगा जीरो. फॉर एग्जाम्पल 0 6, मैंने जीरो को कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा जीरो. अगर मैंने कोई नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करूं 6 0 0. ओके, मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो बोला है वही है प्रोडक्ट टू नंबर्स. आप कोई भी पकड़ो, ऐसे पकड़ो या फिर ऐसे पकड़ो, आंसर क्या आता है सेम होगा. तो सेम समझ में, ये हमारा हाउ मेनी टाइम्स का इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें आपको मैंने समझाया कि मल्टीप्लिकेशन किसको बोलते, किस नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना है. ओके, थैंक यू.